इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं, एड्रेस बता दिया हमें कहाँ जाना है, टुक टुक वाले भैया हमें लेके जाएंगे। मेरा तो था ना साहिब, क्या बना रहे हो आप? अरे मैं ए बना रहा हूँ मेरे भाई साहब। आप ये बना रहे हो भाई साहब? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज से रमजान महीना स्टार्ट हो गया है, तो सभी को रमजान मुबारक। एंड यहाँ दुबई में है कि 2 घंटे का वर्किंग आवर्स कम हो जाता है रमजान महीने में। एंड साहिब का स्कूल भी अब 20 मिनट्स अर्ली खत्म होएगा, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ कि मैं लेट उठा था आज, तो पहले साहिब को ले आता हूँ एंड फिर आपसे बात करते हैं। व्हाट इज इट? दिस इज सरप्राइज। एंड शो मी, open it and show me. I can open it. No, I'll help you. What is it? Toothbrush. Yes. Oh, wow, you Simba आपको ये gift मिला school से? हाँ। आपने teacher को thank you बोला था? हाँ। Good job. मैं brush कर रहा हूँ। तो morning में करते ना baby? अभी करना है आपको? चलो ठीक है, कर लो। अभी हमारा लंच हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अभी वॉक पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मेरे हाथ में जूस नहीं है, तो मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि आज से रमादान करीम शुरू है, तो जस्ट टू लाइक रिस्पेक्ट देयर रिलीजन, यहाँ पे रूल है कि आप लोग पब्लिक प्लेस में कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ पी नहीं सकते हैं, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको खाना है या स्मोकिंग करनी है तो वो क्लोज्ड एरिया में करें। इतने लोग बाहर भी नहीं हैं, जनरली लंच टाइम में काफ़ी लोग यहाँ वॉक पे आते हैं, बट आज लाइक एक आइल से के 5% लोग भी बाहर नहीं निकले। लंच में क्या खाओगे? पराठा खाना है? हाँ। चलो ठीक है, मैं बना के लाता हूँ। Your lunch, Simba. Thank you. Okay, finish it. It's a roly-poly. Yeah, it's a chocolate roly-poly. Finish it. ऑफिस में जाएंगे इस टुक टुक में, बिकॉज वॉक ज्यादा हो गई है, हम थक चुके हैं। एड्रेस बता दिया हमें कहाँ जाना है, टुक टुक वाले भैया हमें लेके जाएंगे। मेरा तो था ना अभी बिल्डिंग के नीचे, अब हम जाएंगे ऊपर ऑफिस में। ऑफिस की कलीग है, शी इज ड्रॉपिंग अस टू द होम, सो लेट्स गो। लेट्स गो अपस्टेयर्स और देखते हैं कुणाल और साहिब क्या कर रहे हैं। लेट्स गो। लगता है घर कुछ ज्यादा ही गंदा है, तभी दोनों गेट नहीं खोल रहे हैं। एंड गाइस, मैं नीचे आया था देखने के एक्चुअली रमदान में यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट रमदान है दुबई का। मैं कहा देखते हैं क्या माहौल होता है इफ्तार के बाद का, शाम के टाइम का। लेकिन जिस टाइम पे मैं आया हूँ, अभी लोग नमाज़ पढ़ के, जो लास्ट नमाज होती होगी रात की जो होती है, उसको पढ़ के अभी लोग मस्जिद से निकल रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। एंड ये है मस्जिद यहाँ की, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी शायद नमाज़ पढ़ी होगी, तो अभी निकल रहे हैं। बाकी कल देखते हैं, कल शाम में इफ्तार के टाइम पे कैसा रहता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे। मतलब ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम्स ही है, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ डिफरेंट तो होता ही होगा, अलग सा होता होगा माहौल। देखते हैं, कल देखेंगे। एंड कुछ सामान था घर का, वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने साथ साथ वो भी ले लिया है। चलिए अब चलते हैं घर वापस। साहिब इंजॉय कर रहे हैं अपने चिप्स एंड
पावर पेट्रोल का मूवी है, रोमा इंडियाना का है। अपना रोमा डियाना इनके फेवरेट है। मैं रोमा डियाना देखते हो आप? उसके अलावा क्या देखते हो? पावर पेट्रोल। और पर फेवरेट कौन है? लाडन निकी। लाडन निकी बताओ मम्मा को, वो कौन होता है? BLIPPI ब्लिपी, वो भी आपका फेवरेट है? सारे फेवरेट है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही कार्टून्स देखता रहता है लाइक ब्लिपी एंड ऑल। बट काफ़ी सही है ये चीज़, जैसे मैंने नोटिस किया है कि इनको देखने से ना जो एजुकेशनल चैनल्स हैं लाइक ब्लिपी एंड बहुत से चैनल्स हैं जो एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को, काफ़ी कुछ सिखाते हैं बेसिक चीज़ें। तो मुझे लगता है कि इससे जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो काफ़ी बेहतर होती हैं बच्चों की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है इसकी कि पहले से कम्युनिकेशन स्किल्स इन शोज़ को देख देख के ही काफ़ी अच्छी हुई है इसकी। एंड साहिब भैया कर रहे हैं पढ़ाई, तो चलिए चल के देखते हैं अंदर। साहिब भैया कर रहे हैं यहाँ पढ़ाई। साहिब भैया क्या बना रहे हो आप? अरे मैं ए बना रहा हूँ मेरे भाई साहब। आप ए बना रहे हो भाई साहब? ओके बहुत अच्छा लगा। मैं बना ए, हाँ बिग ए बना दो। वाह भाई साहब, मान गए भाई साहब, क्या बात है सिम्बा। अब मैं आपको बताती हूँ, बी वन स्टैंडिंग लाइन, हाफ अ सर्कल, वन मोर हाफ अ सर्कल। ऑलराइट सिम्बा, ये क्या है? यू टेल मी व्हाट इज दिस? बी। ऑलराइट, क्लीन क्लीन दिस। यस ओके, आई विल मेक समथिंग, देन यू टेल मी व्हाट इज दिस। ओके, व्हाट इज दिस? ठीक से बताओ। ई। ई फॉर एप्पल। ई फॉर एलिफेंट। अच्छा, टेल मी वन थिंग, डैडी को तो पता भी नहीं, ये क्या है? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एंट। बी मामी, इट्स अ डेंजरस एंट। एंट इज डेंजरस? यस, नंबर एंट इज कम एंड वी नॉट टच इट, स्क्रैच एट मी एंड गेट यू। ओके ओके, व्हाट दिस वन? कैमल। हमने अभी देखा सफारी का कैमल राइड कर रहा है। मामा ये तो भूल गए हम। अच्छा, व्हाट इज दिस? Cupcake. What is this? Like a ice cream. Okay, what is this? D. D for? Drum, 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 drum. एंड साहिब भैया पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एंड कर लेते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं बट फिर भी सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अभी हमारा लंच हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अभी वॉक पे। अरे मैंने बटन तो प्रेस किया ही नहीं।